दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पर। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पर मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो स्क्रीन पर देख के आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं, वो आपकी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने वाली है, जिसको शॉर्ट में SCIB कहते हैं। तो जी हाँ, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने वाली आपकी जूनियर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अगर आपको यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो आप उसको किस तरह देखेंगे, उसी से क्या है कि आज का वीडियो करते हैं शुरू। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, घबराने की बात नहीं है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो नेविगेशन आपका नाम का आपको क्या है कि ऑप्शन नजर आएगा उल्टे हाथ की तरफ, तो उसी में जब आप नीचे आएंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। तो एक ऑप्शन आपको नजर आएगा रिक्रूटमेंट का। जब रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन को आप क्या है कि इस तरह करेंगे टैप, तो आपको जो सबसे पहले ऑप्शन नजर आएगा जो कि कहता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द एक्स कैडर पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट, जिसको क्या है जूनियर ट्रांसलेटर के नाम से भी क्या है कि यहाँ पर लिखा गया, ब्रैकेट में क्या है कि इसको जूनियर ट्रांसलेटर लिखा गया। जब आप इसको करेंगे, इस तरह टैप करेंगे, इस ऑप्शन को आप टैप करेंगे, तो आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि खुल जाएगा, जो कि कहता है वेलकम टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्ट असिस्टेंट यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर। तो उसी नीचे आपको यहाँ पे क्या है कि तीन काले रंग के ऑप्शन आएंगे, व्यू एडवर्टीजमेंट, स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, और तीसरा क्या है कि आपका क्लैरिफिकेशन। तो जो पहला ऑप्शन है व्यू एडवर्टीजमेंट का, जब आप क्या है कि उसको करेंगे टैप, तो इस तरह का आपके सामने क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा, जिसमें ऊपर बड़ा बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा गया, उसके नीचे क्या है कि आपका एडवर्टीजमेंट आपका लिखा गया है, और यहाँ पे बताया गया जो पोस्ट है आपकी वो है कोर्ट असिस्टेंट यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर। चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने वाली जूनियर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। तो एक बार मैं फिर बता दूं, पोस्ट है आपकी कोर्ट असिस्टेंट, जिसको क्या है कि जूनियर ट्रांसलेटर के नाम से भी जाना गया है, और सारी चीजों के लिए जो आपकी कट ऑफ डेट है वो आपकी क्या है कि 1/1/2021 होने वाली है, यानी कि 1 जनवरी 2021, जिसको क्या है कि ऊपर ही आपका लिखा गया। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, यानी कि इसमें क्या है कि जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है, लेकिन ट्रांसलेशन का काम क्या है कि अलग अलग भाषाओं में होता है, तो उसके आधार पर क्या है कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज को आपका क्या है कि डिवाइड किया गया। तो टोटल आपकी क्या है कि 14 भाषा क्या है कि इसमें शामिल की गई है। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो पहली जो आपकी भाषा है वो आपकी है जूनियर ट्रांसलेटर, वो भी क्या है कि इंग्लिश टू हिंदी। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी क्या है कि 5 होने वाली हैं। इसके अलावा इंग्लिश टू असमीज, इंग्लिश टू बंगाली, इंग्लिश टू तेलुगु, इंग्लिश टू गुजराती, इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू मराठी, साथ साथ में इंग्लिश टू तमिल, और इसके अलावा इंग्लिश टू कन्नड़ा, इंग्लिश टू मलयालम, इंग्लिश टू मणिपुरी, इंग्लिश टू उड़िया, और इंग्लिश टू पंजाबी, यानी कि इन भाषाओं के लिए आपकी 2-2 वैकेंसी आपकी हर एक भाषा की होने वाली है, हर एक भाषा की। और लास्ट होगा आपका इंग्लिश टू नेपाली, जिसकी टोटल नंबर वैकेंसी क्या है कि आपकी 1 होने वाली है। तो ये तो बात हो गई नंबर ऑफ क्या है कि वैकेंसीज की। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि क्या है कि क्वालिफिकेशन आपका क्या है कि होने वाला है। तो क्वालिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको क्या है कि वैसे तो क्या है कि हर एक भाषा के लिए आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका होने वाला है, लेकिन क्या है कि मैं आपको एक ही भाषा के जरिए सारा क्वालिफिकेशन क्या है कि समझा दूंगा, क्योंकि जो पैटर्न है क्वालिफिकेशन का वो सारी भाषाओं के लिए क्या है कि आपका सेम होने वाला है। तो ठीक है, तो क्वालिफिकेशन समझाने से पहले चलिए मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। तो मान लीजिए कि अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी अप्लाई करना है, तो यहां पे आप देखेंगे कि 2 भाषाएं यहां पे है, इंग्लिश है पहली भाषा और दूसरी भाषा क्या है कि हिंदी है। मान लीजिए अगर आपको अप्लाई करना है इंग्लिश टू असमीज, तो यहां पे 2 भाषा हो गई, एक आपकी हो गई इंग्लिश और दूसरी क्या है कि आपकी असमीज हो गई, यानी कि ट्रांसलेशन में क्या है कि 2 भाषाओं का इस्तेमाल आपका किया जाता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में और दूसरी भाषा से क्या है कि फिर पहली भाषा में क्या है कि ट्रांसलेशन किया जाता है। तो अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको अप्लाई करना है इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी में, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी पोस्ट के लिए आपको जूनियर ट्रांसलेटर की अप्लाई करना है, तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जिन 2 भाषाओं का इस्तेमाल ट्रांसलेशन में होना है, वो 2 भाषाएं आपके पास एज अ सब्जेक्ट क्या है कि बैचलर्स डिग्री में होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है, किसी भी भाषा के लिए आप अप्लाई करें उस भाषा में, यानी कि अगर मान लीजिए आपको अप्लाई करना है इंग्लिश टू उड़िया या फिर इंग्लिश टू पंजाबी या फिर इंग्लिश टू नेपाली या फिर इंग्लिश टू हिंदी, तो वो जो 2 भाषाएं वो आपके पास क्या है कि बैचलर्स डिग्री या ग्रेजुएशन लेवल पे एज अ सब्जेक्ट क्या है कि होनी चाहिए, वो 2 भाषाएं जिन 2 भाषा में क्या है कि आप ट्रांसलेशन वर्क करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बैचलर्स डिग्री के अलावा क्या है, बैचलर्स डिग्री के अलावा और क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री के अलावा
या तो आपके पास क्या है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हो ट्रांसलेशन में, ठीक है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हो ट्रांसलेशन में, वो भी क्या है कि रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, वो भी क्या है कि इंग्लिश से लेके उस भाषा में और साथ साथ में उल्टा यानी उस भाषा से लेके इंग्लिश में। यानी कि अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी अप्लाई करना है तो आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हो ट्रांसलेशन में इंग्लिश से हिंदी और साथ साथ में हिंदी से इंग्लिश वाला। वहीं अगर आप किसी और भाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि इंग्लिश टू मणिपुरी, तो उस केस में क्या है कि आपके पास जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में है वो आपके पास क्या है कि इंग्लिश टू मणिपुरी और साथ साथ में मणिपुरी से इंग्लिश वाला क्या है कि होना चाहिए। और अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर यह है कि 2 साल का आपके पास क्या है कि ट्रांसलेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी क्या है कि दोनों भाषाओं में, यानी कि हिंदी से इंग्लिश और साथ साथ में इंग्लिश टू हिंदी, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आप अगर किसी और भाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश टू नेपाली आप कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा नेपाली से इंग्लिश में और इंग्लिश से आपका क्या है कि नेपाली में, वो भी वर्क एक्सपीरियंस आपका बस कहाँ का होना चाहिए, वो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज में या फिर पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट्स में या फिर सेंट्रल या फिर स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में या फिर हाई कोर्ट में। तो ये आपका क्या है कि दूसरा क्राइटेरिया हो गया। और तीसरा क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग आपको क्या है कि दोनों भाषाओं में आनी चाहिए, यानी कि आपको क्या कि टाइप करना आना चाहिए दोनों भाषाओं में, ठीक है। इंग्लिश से अगर आप इंग्लिश से हिंदी के लिए अप्लाई करें तो आपको ऑफकोर्स इंग्लिश और हिंदी क्या है कि दोनों भाषाओं में आपकी क्या है कि टाइपिंग यानी वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें क्या है कि आपका टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। तो ऐसे एक एक करके सारी भाषाओं के लिए इसमें दिया गया, लेकिन पैटर्न क्या है कि आपका सेम ही होने वाला है। एक बार मैं पैटर्न आपको बता दूं, कि तो जो पैटर्न में इसमें कहानी है आपकी वो क्या है कि आपकी ये होने वाली, यानी कि 3 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी वो क्या है कि आपके पास होनी चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपको मैं एक बार फिर बता दूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी भाषा, फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश से बंगाली में कर रहे हैं तो 2 भाषा हो गई यहाँ पे इंग्लिश और बंगाली, या फिर आप किसी और भाषा के लिए भी करें, मान लीजिए अगर आपको अप्लाई करना है आपका क्या है कि इंग्लिश से लेके तेलुगु में अगर आपको अप्लाई करना है तो उनके लिए भी क्या है कि आपका सेम ही क्राइटेरिया होने वाला है, यानी कि एक बैचलर्स डिग्री या ग्रेजुएट हूँ आप क्या है कि जिस भाषा से लेकिन जिस भाषा में आप ट्रांसलेशन करने वाले वो 2 भाषा क्या है कि आपके पास एज अ सब्जेक्ट क्या है कि आपके पास क्या है कि होनी चाहिए। यानी कि पहला क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया कि जिस भाषा में भी आपको अगर ट्रांसलेटर अप्लाई करना है वो 2 लैंग्वेज यानी इंग्लिश और साथ साथ में जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करने वाले हैं वो दो जो भाषाएं हैं वो आपने क्या है कि बैचलर्स या डिग्री लेवल पे ऐसा सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए, और साथ साथ में क्या है कि आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क में, वो भी इंग्लिश से उस भाषा में और उस भाषा से इंग्लिश में, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर क्या है कि आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश से उस भाषा में या उस भाषा से इंग्लिश में, वो भी किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज में या फिर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट में या फिर सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर हाई कोर्ट्स में। तो दूसरा क्राइटेरिया ये है। और तीसरा ये है कि आपको क्या है कि उस भाषा में क्या है कि आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस आने चाहिए, यानी कि अगर इंग्लिश या तेलुगु आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश और तेलुगु दोनों भाषाओं में क्या है कि आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर में टाइपिंग स्पीड क्या है कि आपकी चेक होने वाली है। तो ये हर भाषा के लिए क्या है कि ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके होने वाले हैं, आप किसी भी भाषा के लिए क्या है कि आपका करें अप्लाई। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे और आप किसी पर्टिकुलर भाषा के लिए अप्लाई करें तो उसका क्या है कि आप पढ़ सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। वैसे मैंने आपको बता दिया जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया है वो क्या है कि आपका यही होने वाला है। तो ये आपका हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं एज रिक्वायरमेंट की। तो एज रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या है कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 27 साल से कम क्या है कि आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि जो ऊपरी उम्र में छूट मिलती है रिजर्व कैंडिडेट्स को, यानी कि SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन और साथ साथ में जो डिपेंडेंट्स हैं आपके क्या है कि फ्रीडम फाइटर कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको क्या है कि अपर एज रिलैक्सेशन क्या है कि आपका मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गई आपकी एज लिमिट की। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें और भी हैं कि मान लीजिए जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ऑलरेडी आपका काम कर रहे हैं और वो अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए, तो उनके लिए क्या है कि ऊपरी उम्र में क्या है कि कोई भी लिमिट नहीं, यानी कि उनके लिए नो अपर एज लिमिट आपकी क्या है कि होने वाली है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स क्या है कि ऑलरेडी आपका काम कर रहे हैं अदर यानी कि और
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ऑलरेडी आप अगर आप काम कर रहे हैं तो भी क्या है कि आपको अपर एज लिमिट में क्या है कि रिलैक्सेशन आपका नहीं मिलने वाला, यानी कि ऑलरेडी अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करें तो उस केस में भी क्या है कि आपको अपर एज लिमिट में जो आपकी अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो आपको क्या है कि नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो एज रिक्वायरमेंट और उसी के नीचे क्या है कि आपका रिजर्वेशन नाम का क्या है कि आपका कॉलम दिया गया है जिसमें क्या है कि रिजर्वेशन की सारी जानकारी क्या है कि आपको दी गई है, तो उसमें बताया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना क्या है कि रिजर्वेशन है, तो उसको आप क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की या सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइपिंग टेस्ट भी होना है आपका, लेकिन टाइपिंग टेस्ट से पहले क्या है कि आपका रिटन टेस्ट होना है। तो रिटन टेस्ट जो होगा उसमें क्या है कि जो पहला आपका रिटन टेस्ट होना है यानी कि जो पेपर आपका फर्स्ट होना है उसमें क्या है कि आपके तीन सेक्शन होने वाले ए बी और सी। तो ए वाला जो है उसमें क्या है कि रिटन टेस्ट है, वो भी किसका, वो भी जनरल इंग्लिश का और साथ साथ में क्या है कि जनरल नॉलेज का। तो वैसे तो उसका नाम रिटन टेस्ट है लेकिन इसमें एम सी क्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही क्या है कि आपके इसमें क्या है कि पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स का आपका क्या है कि होने वाला है। इसके अलावा क्या है कि आपका दूसरा जो सेक्शन होगा वो आपका इंग्लिश से लेके दूसरा जो सेक्शन है आपका बी वाला वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, यानी कि उसमें क्या है कि इंग्लिश से लेकर जिस भाषा में आपने ट्रांसलेशन के लिए अप्लाई किया है उस भाषा में ट्रांसलेशन करना होगा आपका जो कि 60 मार्क्स का होगा। और तीसरा सेक्शन ये होगा कि जो भाषा में आपने अप्लाई किया उस भाषा से आपको अंग्रेजी में क्या है कि ट्रांसलेशन करना होगा और ये सेक्शन भी आपका 60 मार्क्स का होने वाला है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर एक सेक्शन के लिए क्या है कि 60% होने वाले हैं। तो ये पहला पेपर हो गया। दूसरा पेपर क्या है कि आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है कंप्यूटर में, जिसमें क्या है कि मिनिमम क्या है कि आपका क्या है कि 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में होनी चाहिए और 25 शब्द प्रति मिनट आपकी जो भाषा के लिए आपने अप्लाई किया है वो होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जो मिस्टेक्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि टाइपिंग टेस्ट में मिस्टेक कितनी अलाउ की गई है, तो मिस्टेक्स क्या है कि 5% यानी टोटल जो शब्द आपको टाइप करने को मिलेंगे उसके 5% ही आपको क्या है कि अलाउ किया जाएगा एज अ मिस्टेक। तो जो आपका टाइपिंग टेस्ट है 20 मार्क्स का होगा और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो आपके क्या है कि 60% होने वाले और साथ साथ में जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें 10 मार्क्स अंग्रेजी के होंगे और 10 मार्क्स आपके जो आपने जो भाषा आपने एज अ भाषा आपने अप्लाई किया इंग्लिश टू किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन के लिए आपने अप्लाई किया। और तीसरे जो चीज़ है आपका जब आप रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर देंगे तो वो आपका वाइवा यानी कि इंटरव्यू जो कि आपका 30 मार्क का होगा और उसमें भी क्वालिफाइंग किया है कि आपके 60% होने वाले। तो टोटल सब मिला के रिटन टेस्ट टाइपिंग टेस्ट और आपका इंटरव्यू सब मिला के 200 मार्क्स का होने वाला है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके क्या है कि 60% होने वाले, टोटल के भी 60% ही क्या है कि आपके होने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी एप्लीकेशन फीस की जो कि आपको क्या है कि कॉल यहां से मिल जाएगी, जो पैराग्राफ आपका दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, तो क्या है कि आपकी 500 रुपये फीस होने वाली है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 250 रुपये फीस होने वाली है एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स और साथ साथ में जो डिपेंडेंट आपका क्या है कि फ्रीडम फाइटर्स डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये फीस की होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन कब से कब तक चलेगी यानी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन आपकी है कि 15 फरवरी 2021 से लेके क्या है कि लास्ट डेट आपकी 13 मार्च 2021 होने वाली, यानी कि 15 फरवरी 2021 से लेके 13 मार्च 2021 के बीच तक क्या है कि आपकी एप्लीकेशन आपकी चलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में ढेर सारी नौकरी निकलती हैं, तो हर एक नौकरी को क्या है कि वीडियो के माध्यम से कवर कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका कोरा और साथ साथ में फेसबुक उस पर मैंने जॉब एक्सप्रेस का पेज बनाया और इन दो पेजेस पे क्या है कि मैं ज़्यादातर नौकरियों की जानकारी क्या है कि डेली आपका क्या है कि करता रहता हूँ पोस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एप्लीकेशन आपकी 15 तारीख से क्या है कि शुरू होगी और अभी तो क्या है कि आपकी मैंने आपको बताया जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन को क्या है कि अप्लाई करने की वो क्या है कि आपकी 13 मार्च 2021 क्या है कि होने वाली है। तो लास्ट डेट तो अभी बहुत दूर है, तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ढंग से अच्छी तरीके से पूरी तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आप मेक श्योर कर पाएँ कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ढंग से समझ लिया। इसके अलावा रिजर्वेशन वाले पार्ट को क्या है कि आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिजर्वेशन वाला पार्ट है उसको आप एक बार ढंग से जरूर पढ़ें। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई वगैरह सारी जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एक बार
जरूर पढ़ के चेक करें। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन, साथ साथ में जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसका लिंक और साथ साथ में जो है आपको अप्लाई का लिंक है, ये तीनों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। इसके अलावा जॉब एक्सप्रेस का जो मेरा पेज है कोरा और फेसबुक पे, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। दोस्तों आज का वीडियो था ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने वाली जूनियर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो जैसे लाइक शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी क्या है कि मिलती रहे। और इसके साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन नौकरी के साथ। तो आपका आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।